वॉइस ऑफ ग्राउंड ट्रूथ, मैं हूं इजहार अहमद। आज जो है 10वें चरण के लिए नॉमिनेशन किया जा रहा है, इसमें बहुत ही बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। खासतौर से देखने को मुझे जो मिला है, इसमें अब तक मैंने जितने लोगों का इंटरव्यू किया उसमें ज्यादातर मुझे खासतौर से महिला उम्मीदवार या तो मुझे वार्ड मेंबर के लिए मिले। मेरे साथ एक और जुड़ी हुई है, महिला उम्मीदवार ही है, उनके साथ भी है, उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ किस पोस्ट के लिए, किस पद के लिए है और किस इलाके से वो ताल्लुक रखते हैं। आपका नाम क्या है? रंजीत कुमार साहू जी, आप खड़े हुए हैं, आपकी ये उनकी पत्नी है जो इलेक्शन में खड़ी हुई है, ठीक है। एक बात बताइए मुझे कि इस पोस्ट के लिए आप खड़े हैं, वार्ड सदस्य के लिए। अच्छा, इससे पहले आप वार्ड में थे या फर्स्ट टाइम? पहले थे, मैं पिछली बार इलेक्शन आप कॉन्टेस्ट किए थे। चलिए ये तो ठीक है, मगर एक बात बताइए, अभी बिहार के अंदर कई सारी योजनाएं आई, जैसे कि लोगों को 6,000 रुपए का था, या वो क्या कहते हैं नल जल योजना था, इसके अलावा और भी गली मोहल्ले में काम होना था, उसके लेकर उसको लेकर आपने कितना काम किया? क्योंकि आप एक गांव के वार्ड मेंबर है, वार्ड मेंबर अपने गांव की जो समस्याएं हैं उससे अच्छी तरीके से जो जानती है, तो आप क्या किए उसके लिए हमें बताइए। मतलब जो भी योजनाएं आई क्या आप उन सब तक पहुंचाए? अच्छा, ये तो समझ में आया, लेकिन अब दोबारा आप खड़े हो रहे हैं, तो खड़े होने के पीछे भी कोई वजह होती है कि मैं खड़ा हो रहा हूँ, ठीक है, कि मेरे यहाँ कुछ मुझे और समस्याएं दिख रही है। अभी आपको क्या समस्या आपके लिए वहाँ दिख रहा है, क्या करें? जो भी जनता की नहीं, वो तो मैं समझ, कुछ खास समस्या यानी इलाके में या सड़क नाले नल कुछ ऐसा जो भी है कुछ बचा हुआ है? चलिए ये तो अच्छी बात है कि मैं आपकी जो है ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपकी जो है पत्नी जो महिला उम्मीदवार है खड़ी हुई है और वो अच्छे से विकास के लिए काम करे। और हम जनता से भी जानना चाहते हैं कि आप लोगों का कितना समर्थन है इनको, कहाँ से आप लोग हैं? वार्ड नंबर 14 से ये लोग हैं। और मैं लिल्होर की जनता से ये अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अगर इन्होंने जैसा कहा है कि आपके इलाके के लिए काम करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, तो मैं आपसे अपील करूंगा आप इन्हें वोट देकर सफल करें ताकि ये आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करें।